काम तो बहुत बढ़िया हुआ है सर, जैसे सोचा था उससे ज़्यादा काम हुआ है। और जो टाइम लिमिट आपको मैंने दी थी 10 डेज में, टेन हमने डेज दी। में, हाँ उसके हाँ पहले ही आपने 1 डेज में मुझे कंप्लीट करके दे दिया गाड़ी। जैसे सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ है, बहुत जल्दी मिल गई। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर आपको, थैंक यू सो मच। सनी सूरी फ्रॉम सूरी मोटर्स वाशी नवी मुंबई। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है स्विफ्ट 2013 मॉडल, जिसे हम फेसलिफ्ट कर रहे हैं 2017 में, जिसके लिए हमें फ्रंट बम्पर चेंज करना होगा, शो ग्रिल चेंज करना होगा, बम्पर ग्रिल चेंज करना होगा, लोअर बोथ फॉगलाइट बेजल भी चेंज करना होगा, और इसमें हम फॉगलाइट ब्रांड न्यू इंस्टॉल करेंगे। उसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि आप देख सकते हैं कंपनी के साथ जो हेडलाइट आ रही है, इसमें हम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED बल्ब इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा काफ़ी डेंटिंग वर्क है स्विफ्ट में, जैसा आप चेकआउट कर सकते हैं, बम्पर तो ऑलरेडी डैमेज है लेकिन बोनेट पे भी हमें काफ़ी डेंटिंग वर्क करना होगा। राइट साइड के डोर भी चेक कर सकते हैं, लोअर रनिंग बोर्ड भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी डैमेज है, अंदर चला गया और डोर आउटर आ गया। उसके अलावा डोर में भी काफ़ी डेंट्स है, रियर साइड में, रियर फेंडर, रियर लेफ्ट साइड का डोर काफ़ी रस्टेड हो चुका है, इसे हम खोल के प्रॉपरली चेक करेंगे, इसे चेंज करना ठीक रहेगा या इसे हम डेंटिंग पर्पस में क्लियर आउट हो जाएगा। रियर बम्पर फुल्ली डैमेज है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमें चेंज करना होगा। इसके अलावा डिक्की भी हम ब्रांड न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी रस्ट होके पूरा डैमेज हो चुका है। डेंटिंग वर्क होने का काफ़ी पेंटिंग का पुट्टी वर्क भी हो चुका है, सैंडिंग वर्क चालू है, अभी टॉप का पुट्टी वर्क चालू। CNG आप देख सकते हैं, CNG टैंक लगा था, उसे रिमूव करके ये पूरा इंटीरियर अंदर का भी हम पेंट करेंगे। काफ़ी रस्टेड हो चुका है, जहाँ पर बोल्ट आता है, जहाँ पर CNG लगता है वहाँ पर, और इसके टायर के नीचे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी रस्टेड है, ये पूरा हम पेंटिंग वर्क करेंगे। और आप देख सकते हैं कि न्यू ब्रांड न्यू MGTT का डिक्की भी इंस्टॉल हो चुका है, जो कि अब पेंटिंग वर्क चालू है, इसके बाद अस्तर मार के पेंटिंग भी हो जाएगी। मॉडल फेसलिफ्ट की गई है 2017 में विद अ मैजिक पेंट पर्ल वाइट। पर्ल वाइट का पर्ल आप चेकआउट कर सकते हैं, किस बेहतरीन ढंग से पर्ल आया है, बिकॉज ऑफ हम पेंटिंग बूथ में पेंट करते हैं, और जो मटेरियल यूज किया है टॉप क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। उसके अलावा हमने बोथ साइड के प्रोजेक्टर हेडलैम्प इंस्टॉल किए, सेट ऑफ 2 LED बल्ब इंस्टॉल किए गए हैं प्रोजेक्टर में भी और हाई बीम में भी। फिर मैं बम्पर पर आऊँगा, हमने फेस लिफ्ट किया है तो पूरा फ्रंट बम्पर हमने चेंज किया गया है, फॉग लैम्प भी हमने इसमें ब्रांड न्यू इंस्टॉल की गया है, उसके अलावा फॉग लैम्प DRL भी हमने इसमें इंस्टॉल किया है, शो ग्रिल भी हमें चेंज करना होता है 2017 मॉडल के लिए, उसके अलावा लोअर सेंटर ग्रिल भी हमने इसमें चेंज की गई है, प्लस जैसा आपने देखा था कि डेंटिंग वर्क था और काफ़ी रश था, वो सब हमने बोनेट को रिमूव करके फिर प्रॉपरली इसे पेंट किया गया है। साइड लुक में आते हैं, हम साइड वेज से भी आप पर्ल का फिनिश देख सकते हैं किस तरह से पेंटिंग प्रोसेस किया गया है। उसके अलावा मैकविल पर आना चाहूँगा, कस्टमर के वही मैकविल को हमने प्रॉपरली पॉलिश किया गया है। उसके अलावा फ्रंट कैलिपर को हमने रेड में किया गया, राइट लेफ्ट मिरर वही हमने इंस्टॉल किया, उसे रीफिनिश करके उसकी भी आप फिटिंग और फिनिशिंग वर्क चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पिलर को पेंटिंग नहीं किया बल्कि रेडियम से रैप किया गया, एक एक्सीलेंट लुक और एक डल ब्लैक में, जो कि फ्रंट बोथ साइड के पिलर और सेंटर पिलर राइट लेफ्ट डोर में आते हैं, उसे भी हमने रैप किया गया, और गार्निश पट्टी भी हमने मारुति की जेन्युइन इंस्टॉल की है, उसे भी आप फिनिशिंग ऑफ वर्क चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बैक साइड में आते हैं, बोथ साइड की टेल लाइट हमने आफ्टर मार्केट की इंस्टॉल की गई है राइट लेफ्ट, और डिक्की जैसा आपने चेकआउट किया था काफ़ी रस्टेड हो चुकी थी, वो रिमूव करके हमने ब्रांड न्यू MGB की डिक्की इंस्टॉल की है।
उसके अलावा सीएनजी निकाल के हमने प्रॉपर उसका बूट स्पेस को प्रॉपरली रस्ट निकाल के उससे भी पेंट किया गया है। अब रियर बम्पर भी हमने उसमें चेंज किया गया उसके अलावा मडफ्लैप्स भी बैक साइड के इंस्टॉल किए गए। यस फ्रेंड्स, अभी आपने हमारा स्विफ्ट का वीडियो देखा जो हमने 10 डेज में कंप्लीट किया है। सागर जी जो वडाला मुंबई से हमारे पास आए, वो बताएंगे उन्हें किस तरह से काम लगा हमारा। काम तो बहुत बढ़िया हुआ है सर, जैसे सोचा था उससे ज्यादा काम हुआ है। और जो टाइम लिमिट आपको मैंने दी थी 10 डेज में, 10 डेज में उसके पहले ही आपने 8 डेज में मुझे कंप्लीट करके दे दिया गाड़ी। और आफ्टर मार्केट जो आपने मुझे सजेस्ट किया था, टेल लाइट और हेडलाइट, तो काफी गाड़ी का जो लुक है इनहेंस हो के आ रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सर। आपको कैसे? सीरियसली थैंक यू। और जैसे सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ है, अभी मजा आएगा। हमें लग नहीं रहा है कि हमें भी चाहिए। हम लोग 1 बजे रात को पेंटिंग बूथ में थे। अच्छा। क्योंकि दिवाली से पहले अगर आपको मिल जाए आपकी चीज तो एक खुशी में और ये हो जाता है। हमें नहीं लग रहा कि हमने पेंटिंग, जस्ट हमें लग रहा है कि अभी आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ एक्सेसरीज का भी काम होता है। नई गाड़ी जो 2023 की भी आई थी वो भी कलर फेल हो गया था, मतलब जो कलर का फिनिश और ये जो आया था और जो ग्लॉस आ रहा था वो नई गाड़ी में भी नहीं आ रहा था। वो आपकी गाड़ी देख के हो रही कि इनोवा आज हमारे को पनवेल से डेंटिंग पेंटिंग के लिए हमें उन्होंने तुरंत दे दी, मतलब वो गाड़ी देख के भी यहाँ कैसा फिनिश है। फिनिशिंग अच्छा काम, फिनिशिंग अच्छा था, मतलब जो कलरिंग टोन था जो आपने सजेस्ट किया बराबर है। पर्ल बराबर पर्ल जो आपने बोला सर ये करेंगे, सर ओके ठीक है, सजेशन राइट था। और दूसरी बात कि कभी कभी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट नहीं होती है, टाइम लिमिट जो होता है उसमें गाड़ी मिलती नहीं है, गाड़ी नहीं मिलती है, छोटी छोटी चीज अरेंज करना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प बम्पर डिक्की सब ये चेंज करना, मडफ्लैप ये पॉलिशिंग ये वो काफी मतलब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। हैप्पी है कि हमें हमारे त्योहार पे मिल गई और बहुत जल्दी मिल गई। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली सर आपको, थैंक यू सो मच। और हम सजेस्ट करेंगे बिल्कुल कि यहाँ पे आए। ओके श्योर श्योर सजेस्ट करेंगे, नहीं आएंगे जो आप देखेंगे आपको श्योर श्योर आएंगे। थैंक यू सो मच।